good morning, children. This is Push English and I'm Renuka Singh. And I'm back here again to continue with the part B. We have done question number 8 and question number 9. And now I'll proceed on to question number 10, wherein you'll be asked short writing task, and that is poster. There will be two posters given to you, as you can see here. And you will be supposed to do any one. So first question says that, as a president of Residents Welfare Association of Mayur Colony, Delhi, design a poster in not more than 50 words promoting cleanliness in the surroundings of your colony. So you have to understand this, that whatever input is given here, you have to make use of that in the poster to make it more apt and attractive. तो इसके लिए आपको बच्चों क्या क्या चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कि आप प्रेसिडेंट हो, आप ये ध्यान रखोगे. प्रेसिडेंट बेशक वर्ड वहाँ यूज़ ना करो, लेकिन ये ज़रूर यूज़ करना है कि ये एसोसिएशन जो है ये किस कॉलोनी का है और कहाँ पर है, तो ये आप यूज़ करेंगे. उसी तरीके से ये पोस्टर का फोकस किस पर होगा, इट विल बी ऑन प्रमोटिंग क्लिनलीनेस इन द सराउंडिंग्स ऑफ योर कॉलोनी. तो नॉर्मली बच्चों की क्या आदत होती है, दे डोंट पे अटेंशन, दे डोंट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, दे डोंट रीड द क्वेश्चन टिल द एंड, और वो बस उन्होंने एक वर्ड पिकअप किया क्लिनलीनेस और उस पर लिखना शुरू कर देते हैं. आप ये समझो कि आप एक प्रेसिडेंट हो और आपको पोस्टर बनवाना है और वो भी अपनी ही कॉलोनी में, क्लिनलीनेस आप कैसे इंश्योर करोगे. ठीक है, तो इसके आंसर में बढ़ने से पहले जो ये चॉइस का क्वेश्चन होगा और वाला, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दूसरा पोस्टर क्या पूछता है. वो ये है कि फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स आर नोन टू क्रिएट ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. ये तो पता ही है आपको, आप एज सून एज दीज फेस्टिवल्स कम वी स्टार्ट मेकिंग यूज ऑफ फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स. सो एज एन एनवायरमेंटलिस्ट ध्यान रखना कि आप हैं क्या. तो आप हैं एक एनवायरमेंटलिस्ट, और एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पर आपको एक पोस्टर डिज़ाइन करना है जिसमें आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है इसके इल इफेक्ट की. किसके इल इफेक्ट की? फायरवर्क एंड क्रैकर के यूज़ की, और उससे कितना पोल्यूशन फैलता है इस पर. तो एक एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते आप जिस तरीके का पोस्टर बनाओगे उनमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उन चीज़ों को, उन वैल्यू पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा. ठीक है, तो चलिए दोनों पोस्टर्स देखते हैं कैसे बनता है. ठीक है, ये बेटा एक पोस्टर पे चलते हैं जिसमें क्लिनलीनेस प्रमोशन कैंपेन. सो यू हैव टू कीप योर कॉलोनी क्लीन, क्लिनलीनेस ऑफ द कॉलोनी इज द ड्यूटी ऑफ ईच वन ऑफ अस, है ना. तो एडवांटेजेस ऑफ क्लीन सराउंडिंग्स क्या क्या हैं वो आप फटाफट बता दीजिए. कि सेफ्टी फ्रॉम डिजीजेज, इट लुक्स इम्प्रेसिव, इट्स अ सिविलाइज्ड वे ऑफ लिविंग व्हेन यू कीप क्लीन, कीप योर सराउंडिंग क्लीन, देन गुड फॉर हेल्दी एनवायरमेंट, इट इज़ गुड एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू इम्यूलेट टू फॉलो. ठीक है ना, तो लेट अस गेट टुगेदर फॉर अ क्लिनलीनेस ड्राइव. या यू कैन पुट अ कोटेशन दैट क्लिनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस लाइक दिस. इशूड बाई, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन मयूर विहार दिल्ली, और आप प्रेसिडेंट हो इस तरीके से. तो आपने देखा होगा ये इनपुट तो आपको क्वेश्चन में ही मिल गया है ना. इस तरीके से आप इनपुट जो भी क्वेश्चन में है उसको यूज़ करते हुए बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से पोस्टर को बना सकते हो. हम इसमें विजुअल भी अलाउड है और टेक्सचुअल भी अलाउड है. तो विजुअल अगर आप कुछ अच्छी ड्राइंग है आपकी, तो थोड़ा बहुत इमेजेस वगैरह कुछ ड्रॉ कर लीजिए विजुअली अट्रैक्टिव बनाने के लिए. अदरवाइज मेन है हमारी लिटरेरी टेक्स्ट, वो आप यूज़ करेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक, उसी तरीके से आइए नेक्स्ट इस पे चलते हैं हम, जहाँ पर आपका से नो टू क्रैकर्स, फायर फ्री क्रैकर्स फ्री दीपावली के लिए कैसे क्या करना है. दिवाली आ भी रहा है, आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, जस्ट स्टार्ट सेइंग नो टू क्रैकर्स एंड लेट अस सेलिब्रेट अ पोल्यूशन फ्री दिवाली, है ना. तो आप एक मैसेज अच्छा देना चाहते हो, आपने दिया बना लिया, दिया बनाना बहुत आसान होता है, फटाफट दिया बना लिया, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाई कंसर्न. उसके बाद से लेट दिस दीपावली, अब देखो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, ये क्लाउड्स बना दिए हैं, ये स्टार बना दिया है. ठीक है, और क्लाउड्स में ही हमने चार पांच चीज़ें लिख दी हैं कि दिस दिवाली लेट्स फिल आर माइंड्स एंड होम्स विद लाइट्स एंड फ्लावर्स, नो एक्सप्लोजिव, नो फ्यूम्स, है ना. यहाँ एक मैसेज हो गया अच्छा ये वाला. उसके वैसे दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स दैट दैट स्प्रेड पोल्यूशन. सो इसलिए एक पोल्यूशन ना करें, हम लाइट को स्प्रेड करें. इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट नॉट पोल्यूशन. देन क्रैकर्स से क्या क्या नुकसान होता है, फट से शॉर्ट में बता दीजिए कि एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन होता है, हेल्थ हैज़ार्ड्स, यू कैन इट कॉजेज हेल्थ हैज़ार्ड्स, एंड देन फायर एक्सीडेंट्स के चांसेस होते हैं. फिर लव एंड पीस का त्यौहार है, इन्जॉय करने का त्यौहार है. सो लेट दिस दीपावली बी वन ऑफ द हैप्पीनेस, वन ऑफ द फेस्टिवल्स ऑफ फुल ऑफ हैप्पीनेस
लव एंड पीस फॉर ऑल टू एंजॉय। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। और आपको पता होगा इनपुट में दिया गया था कि कंसर्न एनवायरमेंटलिस्ट हो, तो लास्ट में आपने देखिए लिख दिया है इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय अ कंसर्न एनवायरमेंटलिस्ट, प्लस हो गया, ठीक है। तो ये इतना सिंपल सा पोस्टर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, नंबर 11। एंड दिस क्वेश्चन नंबर 11 इज ईदर बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर, ओके। एंड इंटरनल चॉइस जो होगा बच्चों वो होगा लेटर टू स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज़, ठीक है, स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज़। तो ये क्वेश्चन लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है यू आर अनूप, सो व्हाट आर यू सपोज टू डू, आपको हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करके रख लेना है चीज़ों को, जिसमें इनपुट क्या है कि आप अनूप और आकृति हैं और आप GPS पब्लिक स्कूल में हैं दिल्ली में, एंड यू आर सपोज टू राइट लेटर टू होम सेल्स मैनेजर अपर्णा पब्लिशिंग हाउस, क्या करने के लिए, फॉर प्लेसिंग ऑर्डर फॉर द बुक्स, जिसमें मिनिमम 4 टाइटल्स होने चाहिए और आप बाकी की नेसेसरी डिटेल्स इन्वेंट कर सकते हो, ठीक है। तो GPS पब्लिक स्कूल दिल्ली से आपने लिखा 25 जुलाई 2000 व्हाटएवर इज डेट, यू विल राइट दैट। देन कम्स एड्रेसीज एड्रेस द सेल्स मैनेजर अपर्णा पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, सब्जेक्ट आपने लिख दिया बिकॉज आप प्लेस कर रहे हो ऑर्डर, तो यू कैन राइट प्लेसिंग ऑर्डर फॉर बुक्स, और जस्ट ऑर्डर फॉर बुक्स इज मोर देन इनफ। उसके बाद से आते हैं सर और मैडम, ये सैल्यूटेशन हो गया। सैल्यूटेशन के बाद आप डायरेक्टली लिखोगे आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर दी फॉलोइंग बुक्स फॉर स्कूल लाइब्रेरी, है ना, अपने स्कूल लाइब्रेरी के लिए आपको आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। काइंडली सप्लाई, सो यू आर रिक्वेस्टिंग देम टू सप्लाई बुक्स फॉर योर लाइब्रेरी, और आपने उनको एक लिमिट दे दी है कि यू दे हैव टू सप्लाई बुक्स बाय नेक्स्ट वीक, और ये इंश्योर करें वो कि द बुक्स आर इन गुड कंडीशन एंड दे शुड अराइव अनडैमेज। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंडीशन अगर आप नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि जब बुक्स आती हैं और वो अच्छी कंडीशन में नहीं है या डैमेज में मिलती हैं, तो फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपको बिल पे करना ही पड़ेगा, और ये कंडीशन जब आप डाल दोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप रिक्वेस्ट कर दोगे, आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड द बिल अलॉन्ग विद द फॉलोइंग बुक्स आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट परमिसिबल टू स्कूल्स, यानी कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो सेल्स मैनेजर से कि वो बिल आपको भेजे इन बुक्स के साथ। अब यहाँ पर आपको बुक्स एनलिस्ट करनी है, वॉट एवर 1, 2, 3, 4 जो भी बुक्स आपको चाहिए, कितनी क्वान्टिटी में चाहिए, सपोज करिए आपको चाहिए द टेम्पेस्ट चाहिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ, और वो कितनी क्वान्टिटी में चाहिए 4, ठीक है ना। तो ऑथर का नाम ज़रूर आप लिख देंगे, विलियम शेक्सपियर, इस तरीके से आप मेंशन ज़रूर करेंगे, ठीक है, जो भी डिटेल्स आपके पास है, जो भी पब्लिशिंग हाउस की डिटेल्स है वो, तो इस तरीके से आप कर लोगे। अब आते हैं, जब वो लिस्ट कर लोगे तो लास्ट में आप बताओगे उनको कि भाई डिस्काउंट भी हमें जो भी परमिसिबल है स्कूल्स के लिए वो आपको दें। फिर पेमेंट आप कैसे करोगे बुक्स को चेक करने के बाद, जैसे ही आप रिसीव कर लोगे यू विल डू द पेमेंट आफ्टर चेकिंग ऑफ द बुक्स। डैमेज बुक्स की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, यानी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और कोई भी पेमेंट जो है उनके उनकी पेमेंट नहीं की जाएगी, ठीक है ना। तो ये पहले ही आपने कंडीशन क्लियर कर दिया, वी सी योर कोऑपरेशन इन दिस रिगार्ड। तो ये लास्ट में एक सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दे दोगे, जिसमें आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हो कि भाई इस रिगार्ड में आपका कोऑपरेशन चाहिए, और थैंक यू योर फेथफुली, और ये डिटेल्स आपको ऑलरेडी दी हुई हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पर लेटर टू स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज़ है, जिसमें आप रियान सोनी हो और आप एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और इस वक्त आप कर रहे हो बैचलर्स डिग्री जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। अब ये लेटर किसको लिखना है, ये लेटर लिखना है अपने डायरेक्टर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के। आप कुछ किसी कोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि आप रियान सोनी और आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के। आपने ये पता दिया 1001 भगवान रोड न्यू दिल्ली, डेट डाला, उसके बाद से एड्रेसीज एड्रेस डाला, ये दिया था क्वेश्चन में। आपने सब्जेक्ट डाला, सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें मिलती हैं बेटा, आपको बस ध्यान देना है, क्वेश्चन से ही पिकअप करना है। सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कोर्स, आपने सैल्यूटेशन दिया यहाँ पर, उसके बाद आप पहले अपना, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन ही दोगे, बिकॉज हाउ विल डायरेक्टर नो यू। तो आप सबसे पहले यही बताओगे कि मैं रियान सोनी हूँ, आपकी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ, और मुझे बैचलर्स डिग्री में परस्यू कर रहा हूँ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में, मैं करेंटली फाइनल ईयर में हूँ, और मुझे एग्ज़ाम्स नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम्स देने हैं। मैं ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ, एक सेकंड, ये बेटा कुछ गड़बड़ी हो गई है, आई एम राइटिंग दिस लेटर,
ये नहीं आएगा बार बार, ये दोबारा रिपीट हो गया, दिस विल नॉट कम, सो आई वुड रियली अप्रिशिएट, इसमें ये आ जाएगा। उसके बाद से आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आई वुड रियली अप्रिशिएट रिसीविंग अ प्रॉस्पेक्टस कंटेनिंग ऑल द कोर्स इन्फॉर्मेशन, यानी जितने भी कोर्सेज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है, एप्लीकेशंस हैं एडमिशन के लिए, वो सारी डिटेल आपको, वो प्रॉस्पेक्टस चाहिए, आप उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हो, और लास्ट में आप कह रहे हो कि भाई मैं बहुत ग्रेटफुल रहूँगा अगर आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दें, इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको ये चाहिए, वो आप क्लियर कर दोगे कि भाई डिपार्टमेंट और प्रोग्राम फैकल्टी कैसी है, फिर मतलब इन्हीं इन्हीं कोर्सेज के बारे में कौन है, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, स्कॉलरशिप पॉलिसीज़ क्या हैं, तो इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कुड सेंड दिस इन्फॉर्मेशन। और आपने ये भी अपना पता भी दे दिया ताकि डायरेक्टर डायरेक्टली आपको प्रोस्पेक्टस इस पते पर दे दें, और अगर उन्होंने पूछा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पर, इसने अपना फ़ोन नंबर शेयर कर लिया या अपना मेल दे दिया, ई मेल एड्रेस दे दिया, ठीक। तो थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन, योर्स फेथफुली रायान सोनी। आप चाहते तो इसके नीचे लिख सकते हो फाइनल ईयर स्टूडेंट, ठीक है ना, फाइनल ईयर, और लिख दीजिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन MCN, तो ठीक है ना, ये कर दिया आपने, तो ये हो गया आपका स्कूल लेटर टू स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज़। तो ये कॉलेज अथॉरिटीज़ के लिए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन नंबर 12, ये आता है आपका अगेन एक लॉन्ग राइटिंग टास्क, जिसमें इधर आपका स्पीच आएगा या आपका डिबेट आएगा चॉइस में, ठीक है, या तो स्पीच या डिबेट। तो ये हम चलते हैं स्पीच, देखते हैं क्या है। पीयर प्रेशर इज़ यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। आपको पता है कि पीयर प्रेशर बहुत ज़रूरी है बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, इसका सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो अगर पीयर प्रेशर नहीं होगा तो कई बार गोल्स को अचीव करने में या एम्स जो आपने सेट कर रखे हैं उसको, उसमें आप सक्सीड नहीं करते हो। तो फाइनली ये तो था एक इंट्रो, मतलब आपको इंट्रोडक्शन यहाँ मिल गया। अब आपको स्पीच किस पे लिखना है, तो स्पीच पर बहुत ध्यान देना बच्चों, और उसको डबल अंडरलाइन करना है, क्योंकि बच्चे अक्सर एक वर्ड पकड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते कि क्वेश्चन क्या पूछा है। तो आपको चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन पे ये स्पीच देनी है कि क्या पीयर प्रेशर बेनिफिशियल है या नहीं, ठीक है, और ये स्पीच आपको डिलीवर करना है ऑन अकाउंट ऑफ चिल्ड्रंस डे। तो आपका स्पीच शुरू होता है ये, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ये आपको पता ही होगा, मैंने स्पीच राइटिंग का एक वीडियो भी बनाया है, आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आप सबसे पहले एड्रेस करेंगे जो भी ऑडियंस है उस, और उसमें जो वर्दी आपके टीचर्स हैं प्रिंसिपल हैं, उनको आप ज़रूर रिस्पेक्टफुली एड्रेस करोगे। तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ऑनरेबल टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स, ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई व्यूज ऑन द टॉपिक इज पीयर प्रेशर बेनिफिशियल और नॉट। अब मैं बस यहाँ ये चीज़ शेयर करूँ आपसे कि कुछ बच्चे स्पीच राइटिंग जब भी स्पीच लिखते हैं वो यहाँ लिख देते हैं आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द टॉपिक। तो बेटा आप बेशक आपको कहा गया है कि आप पौनिंग असेंबली में बोलिए, लेकिन आप आंसर शीट में स्पीक वर्ड बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे, आप लिखेंगे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई व्यूज, समझ गए। प्लीज़ इस पे ध्यान देना है, इस पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। उसके बाद से पीयर प्रेशर कैसे बेनिफिशियल, आप इंट्रोडक्शन दोगे कि इट इज़ बेनिफिशियल एज लॉन्ग एज वी नो आर लिमिट्स। बेनिफिशियल सिर्फ तब तक है जब तक हम अपनी लिमिट्स जानते हैं। इट इज़ ऑल अप टू अस टू बी सो स्ट्रांग, ये हम पर है कि हम कितने स्ट्रांग, कितने फर्म, कितने अनशेकेबल हैं और कितने कन्विक्शन से परिपूर्ण हैं, भरे हुए हैं कि हम गलत ट्रैक पर ना जाएं। ये टोटली हम पर डिपेंडेंट होता है, वेरी ट्रू। और पीयर प्रेशर हमेशा ख़राब नहीं होता है, ख़राब भी होता है कई बार, बच्चे कंपटीशन में आकर के दे डेवलप अ बैड हैबिट्स एंड बच्चों को नीचा दिखाने के लिए या उस प्रेशर में आकर के वो कुछ गलत रास्तों पर चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पीयर्स अच्छी चीज़ें भी सिखाते हैं, दे ऑल्सो टीच यू गुड हैबिट्स और आपको फॉलो करने के लिए एनकरेज करते हैं, बट वही आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। लुकिंग एट व्हाट अदर्स डू कैन हेल्प यू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। बच्चे बाकी बच्चे क्या करते हैं उस पीयर प्रेशर में आकर के, आपको एक चीज़ बदलनी पड़ेगी एंड दैट इज़ वे ऑफ योर थिंकिंग, और उसमें लाना पड़ेगा आपको एक पॉजिटिव चेंज। आपके जो पीयर्स होते हैं उनकी जो चॉइसेस होती है, उनका जो तरीका होता है जीवन जीने का, ये आपको आपकी फोर वॉल्स से बाहर, यानी आप चार दीवारी से बाहर जो दुनिया है उसकी ग्लिम्स आपको मिलती है, उसकी झलक मिलती है। तो वो जीवन के बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या परसीव करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस को कैसे परसीव करते हैं और वो कैसे अलग अलग सर्कमस्टांसिस में रिएक्ट करते हैं, आपको भी जब उनके एक्सपीरियंसेस आप सुनोगे तो इट विल एडअप टू योर एक्सपीरियंस, है ना। तो इसलिए
बींग पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुप ऑफ पीयर्स एक्सपोजेज यू टू द डाइवर्सिटी इन ह्यूमन बिहेवियर. तो एक तरीके से अच्छा भी है पीयर प्रेशर. क्यों अच्छा है? क्योंकि आप एक ऐसे ग्रुप के साथ एक्सपोज होते हो जो अलग अलग किस्म के ह्यूमन बिहेवियर दिखाता है, और आप उनसे अच्छी चीज़ें सीखते हो. ख़राब भी पता चलती हैं आपको और अच्छी भी पता चलती हैं. तो ये आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करेगा और आपको समझ में आएगा वेयर यू स्टैंड. तो पीयर प्रेशर कई बार हमें राइट चॉइसेस लाइफ में लीड करने में मदद करते हैं. आपके पीयर्स आपको आपकी पर्सनालिटी शेप करते हैं पॉजिटिव वे में. मोर ओवर इट्स नॉट प्रेशरिंग एवरी टाइम, समटाइम इट्स एन इंस्पिरेशन. तो हर बार किसी चीज़ को एक प्रेशर की तरह ना लेकर एक इंस्पिरेशन की तरह लीजिए, पॉजिटिव चीज़ें ढूंढिए उसमें. हाँ, आपको बहुत स्ट्रांग और फर्म रहना है कि आप कोई गलत ट्रैक पर ना जाए पीयर प्रेशर में आके. दैट्स द ओनली फंडा. ओके, तो ये था स्पीच. अब नेक्स्ट इसके इंटरनल चॉइस में जो आएगा वो आएगा एक डिबेट, क्वेश्चन नंबर 12. तो हम एक डिबेट लेते हैं. चलिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिबेट क्या पूछ रहा है? यू हैव टू राइट अ डिबेट ईदर फॉर और अगेंस्ट. ये प्लीज़ समझ लीजिए. अब जैसे ऊपर जो स्पीच आया था उसमें आपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें बताई ऑलमोस्ट, इसमें ऐसा नहीं है. आपको डिबेट में ईदर यू हैव टू स्पीक, ईदर यू हैव टू राइट इन फेवर और यू हैव टू राइट अगेंस्ट द मैटर, अगेंस्ट द मोशन. ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये है कि जिम्स और फिटनेस सेंटर्स जो हैं दे हैव रिड्यूस द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन द पार्क. अगर आप इस कंटेंट को सपोर्ट करते हो, अब बच्चे क्या करते हैं, जिम और फिटनेस सेंटर एक वर्ड उन्होंने पिकअप किया और उस पर लिखना चालू कर देंगे बिना ये सोचे कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है. तो प्लीज़ पे अटेंशन, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, समझो, अपने आप को अपने दिमाग में बिठा लो और एक प्लानिंग करके आगे बढ़ो. वैल्यू पॉइंट में इसमें क्या क्या इंक्लूड करूँगा, जिम और फिटनेस ने क्या वाकई एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस रिड्यूस कर दी है? अगर कर दी है तो आप उसके सपोर्ट में क्या पॉइंट देंगे, और अगर नहीं की है तो आप उसके सपोर्ट में क्या पॉइंट देंगे. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप. हाँ, तो आते हैं. डियर फ्रेंड्स, टुडे आई स्टैंड बिफोर यू. अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा, मैं यहाँ चेक करूँगी आपको. यहाँ स्टैंड बिफोर यू यहाँ मत लिखना. टुडे आई एम बिफोर यू या आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई व्यूज, यहाँ भी वही चीज़ लिखना. ठीक है, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई व्यूज, आई सो एंड सो. अगर चाहो तो आप यहाँ इंट्रोडक्शन दे सकते हो अपना, आई सो एंड सो वॉन्ट टू प्रेजेंट माई व्यूज या वॉन्ट टू आर्ग्यू अगेंस्ट द फेवर ऑफ द मोशन. यानी आप जो है अगेंस्ट में बोलोगे. आपका ये मानना है कि जिम और फिटनेस सेंटर्स ने रिड्यूस नहीं किया है. आप एनी वे यू कैन राइट, इट्स टोटली अप टू यू. आपके ऊपर होता है कि आप फेवर में, अगर आपको लगता है ज़्यादा पॉइंट में दे पाऊंगा तो फेवर में दीजिए, अगेंस्ट में तो अगेंस्ट में दीजिए. तो अब यहाँ जो 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 प्रेजेंटेशन हो रही है, जो प्रेजेंटेशन ऑफ व्यूज है, वो है अगेंस्ट में. तो बस अगेंस्ट में ही पॉइंट्स होने चाहिए, ध्यान रखना. ठीक है ना, उसको मॉडिफाई मत कर लेना, उसको पैसिफाई मत कर देना दोनों पॉइंट्स देकर. दोनों पॉइंट्स दोगे तो आपके दिस विल लीड टू रिडक्शन इन योर मार्क्स, और कहीं ना कहीं डिडक्ट हो जाएंगे आपके मार्क्स, तो वो ध्यान रख लेना. Nowadays, increasing number of people are going to gym more out of convenience and necessity to keep themselves fit, since it is difficult to find open space to walk in the. तो बिल्कुल सही बात है. Gyms और fitness centers इसलिए भी बड़े क्योंकि लोग convenience देखते हैं अपना, और अपने आप को fit रखना है उनको, तो वो क्यों नहीं parks वगैरह में जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी है कि open space walk करने के लिए चाहिए, और urbanization की वजह से ये ओपन स्पेस हमें नहीं मिल रहा है ना. हम किसी कंजेस्टेड कॉलोनी में रहते हैं तो हो सकता है वहाँ पार्क ना हो, प्लॉटिंग अच्छी ना हो, ये तो हमारे लिए जगह ही ना हो वॉकिंग की. कंजेस्टेड एरिया हो तो आप कैसे वॉक करोगे भाई? ठीक है, तो उस मजबूरी में भी आप जाओगे. तो एक पॉइंट तो ये बहुत अच्छा है, नंबर वन पॉइंट ये है. उसके बाद से जिम में एक्सरसाइज करने के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये ट्रू है. ठीक है ना, और पार्क में हेल्थ बेनिफिट्स तो है, लेकिन आपकी विसिनिटी में होना चाहिए. अगर आपके घर से अगर वो 4-5 किलोमीटर दूर है तो आप कैसे क्या करोगे? विसिनिटी में है, विदिन 500 मीटर्स है तो आप मैनेज भी कर सकते हो, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो आप नहीं मैनेज कर पाओगे ना फिर. तो इसलिए डूइंग जिम इज़ मोर अट्रैक्टिव, और स्पेशली हमारी जो यंगर जनरेशन है, दे आर फॉलोइंग मोर टूवर्ड्स दे आर मूविंग मोर टूवर्ड्स दिस जिम एंड फिटनेस सेंटर, है ना. उनको वॉकिंग से ज़्यादा ये उनको मन लगता है कि बेटर फिजिकल हेल्थ प्रोवाइड होती है इसे. लेकिन फिर वही बात है कि एक्सरसाइजिंग इन पार्क ऑल्सो गिव यू बोथ फिजिकल एंड मेंटल सोलेस ऑल्सो. देखो, फिजिकल डेवलपमेंट तो होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरे पर्सनली ये बिलीव है कि भाई मेंटल हेल्थ, मेंटल स्टेट, क्योंकि आप यू आर सराउंडेड बाई नेचर,
ट्रीज के बीच में, यू आर लैप इन द लैप ऑफ द नेचर, तो कहीं ना कहीं आपको एक फ्रेश एयर जो मिलती है, यू गेट दैट सूदिंग मेंटल पीस, है ना, मिलता है वैसे, जो चीज़ मुझे लगता है कि फिटनेस सेंटर्स और जिम में नहीं होता। खैर ये इस व्यू पॉइंट के हिसाब से चलते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं। तो फिटनेस सेंटर्स और जिम एक तरीके से आजकल कोशंट भी बन गया है स्टेटस का, यानी एक स्टेटस सिंबल बन गया है ये, और लोग इसलिए भी जाते हैं क्योंकि बाकी के लोग जा रहे हैं और वो पार्क्स में घूमने को, दे आर लुकिंग डाउन अपॉन इट, वो उसको बड़ी हीन भावना से देखते हैं कि जिम और फिटनेस सेंटर्स में वो लोग जाते हैं हु कैन अफोर्ड, है ना, और पार्क में वो लोग जाते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कुछ लोगों का व्यू पॉइंट हो सकता है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके बाद से मेजर रीज़न ये है कि लोग जिम इसलिए भी ऑप्ट करते हैं क्योंकि पार्क में आपका कन्वीनियंट टाइम नहीं होता है एक्सरसाइज का, जबकि जिम में यू आर फ्री टू डू एट एनी टाइम, है ना। तो आजकल के बिजी वर्ल्ड में अब कुछ लोगों को रात में टाइम मिलता है, कुछ लोगों को दिन में टाइम मिलता है, कुछ लोगों को सुबह टाइम मिलता है, और पार्क्स ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर आप नॉर्मली सुबह और शाम को ही वॉकिंग कर सकते हो। तो आजकल के बिजी वर्ल्ड में जहाँ लोगों के पास समय नहीं है, हेल्थ कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस लेकिन समय नहीं है, तो ऐसे में क्या करेंगे, रात होने के बाद थोड़ा डर है और पार्क्स के अपने क्लोजिंग टाइम होते हैं, जिम में ऐसा कुछ नहीं है, एक बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल है। पार्क्स नो डाउट कि इट कनेक्ट्स यू टू नेचर टू बी फिट, बट पीपल आर शिफ्टिंग टू जिम बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो ये आप अपना आपने पॉइंट रख दिया। ठीक, अब आते हैं बच्चों लिटरेचर सेक्शन पे, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में ये क्वेश्चंस आएंगे आपके हॉर्नबिल से, और हॉर्नबिल में ये चार क्वेश्चंस होंगे आउट ऑफ फोर यू विल बी सपोज टू डू एनी टू, देर विल बी फोर क्वेश्चन आउट ऑफ फोर यू विल बी सपोज टू डू एनी टू, और ये चीज़ का ध्यान रख लेना, ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, लेकिन एक कंपल्शन ये रहेगा कि आपको एक क्वेश्चन पोएम से ज़रूर पिकअप करना है और एक प्रोज से ज़रूर पिकअप करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस करते हैं। हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर ग्रीफ ऑन ग्रैंड मदर्स डेथ, आई होप आप तुरंत लेसन पहचान जाएंगे, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो पैरट्स सॉरी स्पैरोज जो हैं वो अटर्ली डिस्पेयर्ड थी ग्रैंड मदर की डेथ पर, और दे एक्सप्रेस दिस, और कैसे उन्होंने एक्सप्रेस किया आई होप आपको याद होगा। अगर जिन्होंने नहीं देखा है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी मेरा वीडियो है वो ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च फॉर इट एंड यू विल फाइंड इट। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उसमें लाइन बाय लाइन। तो चलिए आंसर पे आते हैं। सो दे एक्सप्रेस दे सोरोज दे स्टार्टेड दे पर्च्ड ऑन द फ्लोर दे सैट स्कैटरिंग ऑन द फ्लोर, और चर्पिंग बिल्कुल नहीं थी। सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से हम जाते हैं किसी शव यात्रा में या किसी के यहाँ कुछ दुर्घटना हो गई हो, मौत हो गई हो, तो हम बिल्कुल बात नहीं करते हैं, शांत रहते हैं, एज इफ स्पैरोज को भी पता था दे वर नॉट चर्पिंग। उन्होंने ब्रेड क्रम्स जो ऑथर की मदर ने स्कैटर किया, क्योंकि ग्रैंडमा किया करती थी, तो इन्होंने ब्रेड क्रम्स को हाथ भी नहीं लगाया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं, हु वॉज एमेनहोटेप फोर, चैप्टर याद होगा डिस्कवरिंग टूट। तो एमेनहोटेप फोर को बताने के लिए पहले थोड़ा सा आपको एमेनहोटेप थ्री के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि ये टूट के ग्रैंडफादर है ये, ठीक है ना, एमेनहोटेप थ्री, और वो पावरफुल फेरो थे जिन्होंने 4 डेकेड्स तक रूल किया इजिप्ट को, और 18 डायनेस्टी के इनफैक्ट गोल्डन एज, वो एरा गोल्डन एज माना जाता है जब एमेनहोटेप थ्री रूल किया करते थे। यहाँ पर उनके बेटे यानी एमेनहोटेप फोर उसके बाद आए, और उन्होंने बहुत ही अजीब सा वैकी सा रूलर था ये, क्योंकि कहा जाता है कि इस फेरो डायनेस्टी के लिए, ये इजिप्शियन डायनेस्टी के लिए ये स्ट्रेंजेस्ट पीरियड था हिस्ट्री का, और उन्होंने एटन की वर्शिप शुरू की, एटन जो कि सन डिस्क होते हैं, सन गॉड होते हैं, इसलिए उसने अपना नाम एमेनहोटेप से चेंज करके एखेनेटन भी रख लिया, जिसका मतलब सर्वेंट ऑफ एटन होता है। और उसके बाद कैपिटल जो था थेब्स, वो पुरानी सिटी थी, उसका नाम बदल करके उन्होंने अमरना रख दिया, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये एक बड़ा बदलाव था। दूसरा, इतना ही नहीं, इतने पर नहीं रुका उसने, अमुन, इससे पहले उसके जो फादर थे एमेनहोटेप थ्री, वो अमुन गॉड को फॉलो करते थे, ही वॉज अ मेजर गॉड, देन ही जस्ट स्मैश्ड ऑल द इमेजेस एंड स्टार्टेड क्लोजिंग द टेम्पल्स रिलेटेड टू अमुन। तो इसने एक तरीके से अपने पिता को कॉन्ट्रोडिक्ट किया, क्योंकि इसका मानना था कि एटन को पूजा करो, अमुन को मत करो। ठीक है, तो ये हो गया एमेनहोटेप थ्री। अब आते हैं पोइट्री के क्वेश्चन पे, लेबनम टॉप, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ येलो इन दी पोएम। आपने देखा होगा लेबनम टॉप में ये एक वर्ड जो है येलो, ये बहुत हाइलाइटेड है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया है, और इस पोएम में कलर येलो क्या आपको हाईलाइट कर रहा है, इट इज़ अ डोमिनेंट स्पॉट नो डाउट, एंड कहीं ना कहीं डेथ और साइलेंट का एटमोसफियर क्रिएट किया है। हालांकि साइलेंस ज़्यादा है, डेथ की यहाँ बहुत ज़्यादा बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन साइलेंस तो है, और इस कलर को हम उससे रिलेट करते हैं।
सबसे पहले येलो कलर को हम ऑटम सीजन से भी रिलेट करते हैं, ठीक है ना। येलो कलर को हम डेथ से, येलो कलर को हम साइलेंस से, ये सारे चीज़ हैं जिनको सिंबलाइज करता है येलो कलर। लेबनम टॉप ने स्पेसिफिकली किया है, जो येलो फ्लावर्स हैं वो आप सोचिए, वो जब येलो फ्लावर्स की जब बात आती है तो दे आर ब्राइटनिंग द विजुअल, तो कहीं ना कहीं लाइवलीहुड भी है, मतलब एक तरीके से जीवंत तो है हर चीज़, हर तरफ लाइफ दिख रही है। लेकिन येलो कलर को हम डेथ से और साइलेंस से भी रिलेट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, गोल्डफिंच बर्ड जो है वो जैसे ही ट्री पर आती है शी स्टार्ट्स फ्लटरिंग, और उसके भी येलो फेदर्स हैं। तो आप देखिए येलो फ्लावर्स, येलो फेदर्स, तो यहाँ पर येलो फ्लावर्स और येलो फेदर्स दोनों ही सिम्बोलाइज कर रहे हैं एक्टिवनेस। एट द सेम टाइम आगे के स्टैंजा में आप जाओगे तो येलो को एक इमेज की तरह यूज़ किया है फॉलन लीव्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो डेथ और साइलेंस पोर्ट्रे करते हैं। तो कहीं ना कहीं टेड ह्यूग्स जो है उन्होंने ये यूज़ किया क्योंकि वो सिंपल कलर एक तरीके से मेलेंकोलिक एटमॉस्फेयर यानी एक सैड बिहेवियर, पेड़ की सैडनेस दिखानी है, और किस तरीके से गोल्डफिंच बर्ड के आते ही वहाँ लाइफ आ जाती है वो बताने की कोशिश की है। तो येलो की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ। उसके बाद से ये पोएम फोटोग्राफ से लिया गया है, जिसमें आपको याद होगा कि पोएट की माँ जो है जैसी फोटोग्राफ को देखती हैं शी स्टार्ट्स लाफिंग, और इस वक्त जब वो देख रही हैं तो वो मिडिल एज में थी, और उस फोटोग्राफ को जब वो देखती हैं क्योंकि उन्हें वो गोल्डन डेज याद आ जाते हैं, अपना पास्ट याद आ जाता है, अपना चाइल्डहुड याद आ जाता है जहाँ पर वो अपना सी हॉलीडे बनाने गई थी। और वो हंसती किस लिए ये ज़रूर बताना आपने, हंसती वो है बीच ड्रेसेस को देख के, जिस तरीके का कॉस्ट्यूम, जिस तरीके की ड्रेसेस उन्होंने स्विम सूट्स पहन रखे थे, मे बी स्विम सूट्स इसलिए कह रही हूँ कि और कुछ तो आप वेयर करते नहीं हो व्हेन यू गो टू बीचेस एंड ऐसे सी हॉलीडे के लिए आप जाते हैं, तो दे इट लुक्ड वेरी वियर्ड, इसलिए वो थोड़ा हंसी की उन बीच ड्रेसेस को देख करके, ठीक है ना, जिस तरीके से वो ड्रेस्ड अप थे उन दिनों में। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। तो इन चार क्वेश्चन में से आपको कोई दो करना होगा, बस ध्यान ये देंगे बेटा आप पोएम और एक प्रोज का, एक पोएम का जरूर क्वेश्चन करें, ठीक है ना, दोनों पोएम का या दोनों प्रोज का नहीं कर सकते हो। तो वन फ्रॉम पोएम, वन फ्रॉम प्रोज। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ दो क्वेश्चन आएंगे स्नैपशॉट बुक से, और स्नैप इन दोनों में से कोई एक करना होगा। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पेन पोर्ट्रेट है मुराद का, आपसे पूछा गया है मुराद कौन था। एरम का 13-year-old कज़न है, और उसकी फैमिली बिलीव करती है कि मुराद एक क्रेज़ी बंदा है, और उसकी ये क्रेज़ी स्ट्रीक उसे कहाँ से मिली है, अंकल खुसरो से मिली है। नेवरदलेस हालांकि एरम उसे बहुत पसंद करता है, वो जिस तरीके से ही हैज़ वे विद एनिमल्स एंड ही हैज़ दैट एबिलिटी टू राइड द हॉर्स, सो ही एडमायर्स हिज कज़न। तो ये थोड़ा सा वैसे और भी एडअप आप कर सकते थे, चीज़ें बहुत सारी दी हुई हैं मुराद के बारे में, लेकिन चूंकि हमें ध्यान रखना है कि ये 30-40 वर्ड्स का है तो हम सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें ही लिखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जहाँ नैरेटर का व्यू बताना है हमें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। अब यहाँ बच्चे बिना सोचे समझे ये नैरेटर कौन है, बिकॉज उन्होंने चैप्टर ध्यान से पढ़ा नहीं होता है, तो वो या तो रंगा के व्यूज़ दे देते हैं या किसी और का प्रॉबेबली। तो नैरेटर यहाँ पर कौन है, वेंकटेश अय्यंगर, जिनको चैप्टर में हमने श्यामा, श्याम के नाम से हम जान रहे हैं, श्यामा के नाम से जान रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आप, नैरेटर इज वेरी, अब यहाँ आपसे स्पेसिफिकली पूछा गया है नैरेटर के क्या व्यू हैं, आप प्लीज अपने व्यू मत बताइएगा। तो आप शुरू में अगर ध्यान दें फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, वहाँ पर उन्होंने बताया कि इंग्लिश ना ही इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ इट, क्योंकि उन दिनों उनके गाँव में ना ये भाषा बोली जाती थी ना ज़्यादा यूज़ की जाती थी। इनफैक्ट रंगा एक पहला ऐसा बच्चा था जो बाहर गया इंग्लिश मीडियम स्टडीज़ करने के लिए, बैंगलोर गया, और उससे पहले लोग इतना नहीं, इंग्लिश को एक कमोडिटी नहीं मानते थे, और इट वाज जस्ट वन और टू वर्ड्स वर यूज्ड। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना था कि रंगा जो है बदल गया है इंग्लिश एजुकेशन के बाद, और थोड़ी सी रिजेंटमेंट भी है इंग्लिश को लेकर के नैरेटर के मन में, होसा हली स्पेशली क्योंकि उसको इंक्लूड नहीं किया ज्योग्राफर्स ने बुक में, और स्पेशली इनका ये मानना है कि ये किसी इंग्लिश मैन ने नहीं किया ये काम, इसलिए वो दोष भी एक तरीके से दे रहे हैं। तो एक नफरत सी, एक रिजेंटमेंट सी है इस भाषा को लेकर के, लेकिन हमें नैरेटर का प्योरली व्यू बोला, तो ये सब कुछ नैरेटर के ही व्यूज़ हैं। और नैरेटर आपने ध्यान दिया होगा एक जगह बहुत ही स्पेसिफिकली बोला है, ही कॉल्स इंग्लिश लैंग्वेज एज प्राइजलेस कमोडिटी, आई एम सॉरी यहाँ वाई छूट गया बच्चों, प्राइजलेस कमोडिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें आंसर एनी वन क्वेश्चन इन 120-150 वर्ड्स, इसमें से आपको दो में से कोई एक करना है। ये हॉर्नबिल का क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का है, जहाँ पर आपको ऑथर की ग्रैंड मदर एक रिलीजियस पर्सन है
और ये डिफरेंट वेज हैं किस तरीके से, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस, एंड ऑथर किस तरीके से उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं अलग अलग उनके नेचर को. लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली हमें सिर्फ रिलीजियस नेचर ही करना है उनका. ठीक है, तो रिलीजियस इसलिए हैं क्योंकि शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड. रिलीजियस आपको पता होगा, शी ऑलवेज ऑलवेज कैरी बीड्स इन हर हैंड, बीड्स ऑफ हर रोजरी, एंड शी टेल्स देम, शी स्टार्ट्स काउंटिंग देम. उसके बाद से उसकी लिप्स जो हैं, आपने देखा होगा ग्रैंड माँ के लिप्स हमेशा दे मूव इन इनऑडिबल प्रेयर, और वो मॉर्निंग प्रेयर सिंगसॉन्ग टोन में बोलती हैं, ये होप करते हुए कि ऑथर जो है इट दे वुड लर्न इट बाय हार्ट. एवरी डे शी वेंट अलॉन्ग विद द ऑथर टू हिज स्कूल. और इतना ही नहीं, ग्रैंड माँ हमेशा ऑथर के साथ उनके स्कूल जाती हैं, टेम्पल में जा कर के बैठती हैं, रीडिंग द होली बुक्स फॉर आवर्स. तो आप ये सब रिलीजियस नेचर ही तो है, टेम्पल, होली बुक्स, इनऑडिबल प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. और इतना ही नहीं, वो बहुत बिलीव करते हैं इन टीचिंग अबाउट गॉड्स एंड स्क्रिप्चर्स. और यही शायद वजह है, जब ग्रैंड सन को सिटी स्कूल में इनके बारे में नहीं पढ़ाता तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं. तो ग्रेजुअली शी टर्न्स टू रिसाइटिंग प्रेयर्स इवन इन थ्रू आउट द डे, इवन इन सिटी, क्योंकि शहर में उनके पास टेम्पल में जाने के लिए टेम्पल नहीं है, अगल बगल तो टेम्पल नहीं जाती वो, होली बुक्स नहीं पढ़ पाती. तो वो शी स्टार्टेड रिसाइटिंग प्रेयर्स बाई टेलिंग, बाई काउंटिंग द बीड्स ऑफ रोजरी बिफोर डाइंग. मरने से पहले भी अगर आपको याद होगा, शी स्टॉप्स टॉकिंग टू फैमिली मेम्बर्स एंड देन शी टर्न्स टू प्रेयर्स, एंड वाइल काउंटिंग द बीट शी इज हर फिंगर्स बिकम लाइफलेस एंड दिस हैपन्स. तो ये रिलीजियस नेचर है उनका. ठीक है, अब आते हैं कि स्टोरी कैसे सजेस्ट करता है कि ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस. कितना भी स्ट्रेस रहे, अगर उस सब चीज़ों में ऑप्टिमिज्म, एक पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग आपको, इट टेक्स यू आउट ऑफ दैट हॉट वाटर, और आपको सारी डिफिकल्टीज से बाहर निकाल लाएगा ऑप्टिमिज्म रहेगा तो. क्या आप चैप्टर सजेस्ट कर पाएंगे? चैप्टर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? चैप्टर यहाँ पर है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, है ना. तो जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है इसकी, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है दो पार्ट्स में, आप प्लीज़ इन दोनों वीडियोज़ को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक, ऑप्टिमिज्म इज़ द डिटर्मिनेशन टू ओवरकम एनी चैलेंजेस. तो ऑप्टिमिज्म एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा डिटर्मिनेशन है जिससे आप किसी भी किस्म के चैलेंज को ओवरकम कर लोगे. बिना ऑप्टिमिज्म के इट इज़ इम्पॉसिबल टू फेस डिफिकल्टीज एंड सॉल्व प्रॉब्लम, है ना. मुश्किल होता है इसके बिना किसी भी डिफिकल्टी को सॉल्व करना. द फैमिली फॉट विद द सी विद द ग्रेट. अब किस फैमिली की बात हो रही है? आई होप आपको पता है, नरेटर्स फैमिली जो गए हैं, दे आर ऑन एक्सपेडिशन, और किस तरीके से अल्टीमेटली वो. तो आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी, आपको बस ये ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या ऑप्टिमिज्म के एग्जांपल्स थे, आप किस तरीके से वो एम्स्टर्डम आइलैंड पे कैसे पहुँचे, और दे वर सो दे फॉट विद दी सी स्टॉर्म और दे केम आउट ऑफ दिस. स्पेशली नरेटर के जो बेटे हैं उनका, उसका वो कहना, वो एक रिमार्क जो कि हमारा टाइटल भी है स्टोरी का, वी आर नॉट अफ्रेड टू ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू मम्मीस यू एंड आई. तो ये जोनाथन का कहना था, ये ज़रूर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे. और ये शो करता है कि बच्चे कितने मेच्योर थे और किस तरीके से उन्होंने ना सिर्फ नरेटर जब निराश हो गया तो उसको मोटिवेट किया इन रिमार्क्स ने, और जिस तरीके से वो ही हैड लॉस्ट ऑल होप, बेटे की इस रिमार्क ने उनको मोटिवेट किया. और बेटी जो कि एक कार्ड बना कर लाई जिसमें उसने अपने पेरेंट का कैरिकेचर बनाया था, वो उसमें बहुत प्यारा सा उसने एक नोट लिखा था. तो इतनी इंजरीज के बावजूद, इतने बैड कंडीशन में होने के बावजूद, इफ़ शी कैन मेक दैट एफर्ट टू मोटिवेट, शी कैन बी सो हैप्पी, तो वाई नॉट वी. ये सोच करके नैरेटर और उन सारे स्ट्रगल्स और एफर्ट किया उन्होंने, एंड फाइनली दे रीच द डेस्टिनेशन. तो ये हो गया ऑप्टिमिज्म आपका. उसके बाद से आता है क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ पर अगेन आपको स्नैपशॉट से दो क्वेश्चन होंगे और आपको दोनों में से एक करना होगा. यहाँ पर है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द एड्रेस. तो स्टोरी जो है, इट मूव्स अराउंड द एड्रेस, और एड्रेस किसका है? ये एड्रेस है मिसेस डॉर्लिंग का, जबकि प्रोटैगनिस्ट नहीं है डॉर्लिंग, मिसेस एस प्रोटैगनिस्ट है ना, मेन कैरेक्टर उनका लग रहा है, उनकी डॉटर का लग रहा है. लेकिन यहाँ डॉर्लिंग का एड्रेस जो है, इसके इर्द गिर्द स्टोरी घूम रही है, उस एड्रेस को ज़रूर आप मेंशन करेंगे. और ये टाइटल भी है स्टोरी का, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है. आप बताएंगे कैसे स्टोरी का टाइटल एकदम एप्ट है, और किस इट इज़ नोट वर्दी इन लाइट ऑफ द फैक्ट दैट लोकेशन वॉज सिग्निफिकेंट. और किस तरीके से वो अपने मतलब वेन द स्टोरी टेलर, फर्स्ट ओकेजन क्या है, वेन शी वेंट लुकिंग फॉर हर मॉम एंड हर एफेक्ट्स आफ्टर द वॉर. तो ये युद्ध के बाद जब पहुँचती है, तो जब मिसेज डॉर्लिंग के घर पहुँचती है तो पहली बार तो उसे एंट्री नहीं मिलती, दूसरी बार जब मिसेज डॉर्लिंग की डॉटर है तो वो एंट्री देती है, और वो पाती है कि उसके मॉम के सारे
जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं वो उस घर में हैं, और वो शी फील्स वेरी एप्रिहेंसिव. शी लीव्स द हाउस और वो ये सोच कर पहुँचती है कि ये बिलोंगिंग्स कितनी डिस्टेस्टफुल मैनर में इन्होंने अरेंज करके रखी है. और जब माँ ही नहीं तो माँ से रिलेटेड चीज़ें, हालांकि वो आई कलेक्ट करने ही थी, बट जिस तरीके से उन्होंने देखा तो दैट लॉस्ट ऑल वैल्यू इन हर आईज. और अल्टीमेटली शी जस्ट सेट्स आउट टू ओवरलुक इट एंड शी डिसाइड्स, शी रिजॉल्व दैट शी विल सिवर मीन्स टू कट आउट, आई एम सॉरी छूट गया यहाँ पर, शी विल सिवर हर सेल्फ आउट फ्रॉम दी डिफिकल्ट पास्ट, और वो प्रेजेंट में जिएगी और जो भी आएगा भविष्य में वो उसको फेस करेगी. तो अल्टीमेटली वो डिसाइड करती है कि इस एड्रेस पर नहीं जाएगी वो. अब है एस्ट्रोलॉजर का क्या रोल है रंगा के और रत्ना के मैरिज को मेटेरियलाइज करने के लिए. एस्ट्रोलॉजर नॉर्मली नेरेटर का आता है, तो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा ट्विस्ट किया है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर का भी पेन पिक्चर आ सकता है. तो ये आप क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. एस्ट्रोलॉजर को ब्रीफ किया किसने, ट्यूटर किया किसने, श्यामा ने, कि क्या कहना है. उन्होंने कहा भी, कुछ कैलकुलेशंस भी किए रंगा के सामने और उस लड़की के बारे में बताया जो रंगा की प्रेजेंट कंडीशन की जिम्मेदार है. लड़की का नाम प्रोबेबली उन्होंने बताया कि ओशन से रिलेटेड है, शायद रत्ना हो सकता है या कमला हो सकता है या पर्ल, इस तरीके से उन्होंने गेस किया रत्न हो सकता है. तो रंगा ऑलरेडी इंटरेस्टेड थे रत्ना में, और जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजर ने प्लान्ड एंड ही प्लेड होना चाहिए, आई एम सॉरी ये प्लान्ड लिखा है, इट इज स्पेलिंग इज ऑल्सो रॉन्ग, सो प्लेड, ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट द मैरिज ऑफ रंगा एंड रत्ना, क्योंकि उन्होंने नैरेटर को हेल्प किया रंगा को ये एडमिट कराने में कि ही लव्स रत्ना. और एस्ट्रोलॉजर ने कॉन्फिडेंस दिया रत्ना को कि अच्छा, जिस लड़की के बारे में वो सोच रहे हैं उससे वो शादी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन का एंड. दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन एंड चिल्ड्रन आई होप आपकी समझ में आ गया होगा. और फिर भी एनी डाउट, इफ देयर इज एनी डाउट एनी क्वेरी, प्लीज ड्रॉप इन मैसेज इन माई कमेंट बॉक्स. एंड बाय बाय, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो सून. आई एम गोइंग टू अपलोड इट द नेक्स्ट चैप्टर. नाउ इट वॉज हाफ ईयरली एग्जाम, सो नाउ इट इज ओवर, सो नाउ वी विल मीट इन अनदर वीडियो. बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल. Yeah.